चार बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की, जिससे हड़कंप मच गया। पीड़ित का आरोप है कि हथियारबंद बदमाशों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूटी है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी अभिषेक सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ज्वेलर्स के यहां दिनदहाड़े लूट से हड़कंप मचा है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित शाहबुद्दीन रोड पर पीर वाली मस्जिद वाली निवासी नूर ज्वेलर्स के मालिक फखरुल हसन के पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूट की गई। बताया जा रहा है कि चार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। आसपास के लोगों ने बताया कि सबसे पहले बुर्का पहनकर एक बदमाश आया और उसके बाद तीन अन्य बदमाश भी पहुंचे। गन पॉइंट पर लेकर पूरे परिवार को बंधक बनाया है, जिसके बाद फखरुल हसन को बाथरूम और महिलाओं को कमरे में बंद कर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए दुकान में मौजूद सभी लोगों से बात की। घटना के शीर्ष और सफल अनावरण के लिए एसओजी टीम के साथ तीन थानों की टीमों का गठन किया गया। ये सर 10:30 बजे के करीब जो है दो आदमी का आग बन गए, एक तो लेडीज थी और एक जेंट्स था। कहने लगे टॉप से दिखा दो, उन्होंने सोने के टॉप से दिखाने लगा। इतने में दो आदमी आए, शटर नीचे गिरा दिया उन्होंने और गन उनका हाथ में थी, कट्टे थे और क्या नाम है रिवाल्वर वगैरह था। अंदर घुस गए, अंदर घर वालों को जो है गन पॉइंट पे ले लिया, मुझे यहाँ गन पॉइंट पे ले लिया और सारा सामान जितना भी दुकान में जो है इसमें अलमारी में रखा हुआ था, सोने और चांदी के जेवरात जो बने हुए थे, उन्होंने जो सारा अपना बैग में भरा और ले गए। और इसमें पैसे रखे थे 10,000 रुपये, वो मस्जिद के पैसे थे 500 रुपये। जब उन्हें कहा मैंने कहा मस्जिद के पैसे यहाँ लेके जाओ, तो 500 रुपये उन्होंने इसमें रखे, ये रखे हुए 500 रुपये और इधर मस्जिद के पैसे और रसीदे रखी हुई थी, ये थी इसमें से। ठीक है इसमें से लेके गए, चले गए सारे ये रसीदे हैं। उसमें गड्ढे में हमारे पैसे रखे थे कोई 50,000 रुपये के करीब, वे ले गए और सारी जितनी ये क्या नाम है जेवरात जो रखे हुए थे इसमें सब ले गए। और अंदर से जो है जो बच्चों के पास में सामान था, सोने चांदी की जो अंगूठी पहनी हुई थी, बाली पहनी हुई थी हमारी वाइफ ने, वो ले कर चले गए। और हमें बाद में जो है मुंह पर पट्टी बांध के और हाथ बांध के और अंदर कमरे में लेट रहेंगे उसमें बंद कर दिया। टोटल कितने थे, ये कैसे आप लगभग 4 आदमी थे। कैसे मुक्त हुए आपने? वो दरवाज़ा खटखटाया तो बाहर चटकनी लगी हुई थी, वो टूट गया। मैं दिखाता हूँ आपको, एक ने बुरका ओढ़ा हुआ था, एक ने नकाब लगा हुआ था और दो बगैर नकाब के थे जी। कैमरे तोड़ के, ये एक कैमरा वो है, एक कैमरा ये तोड़ दिया और अंदर से जो है वो डिस लेके गए, वो जो अंदर का जो वो हो गया। जलपन मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र में शाहबुद्दीन रोड पर एक गली में एक छोटी ज्वेलर्स की दुकान है नूर ज्वेलर्स के नाम पर। यहां पर सूचना प्राप्त हुई कि तकरीबन 10:30 बजे एक व्यक्ति जो बुर्का पहने हुआ था, उसके साथ 4-5 लोग और थे, ये बुर्का पहने हुआ व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ और ये ज्वेलरीज कुछ देख रहा था। तभी ये जो बुर्के में था ये एक लड़का था, इसने तमंचा निकाल लिया और बाकी कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर यहाँ पर ये बाकी ज्वेलर से थोक के में सोना लेके ये लोग सोने के आभूषण बनाने का काम करते हैं। तो अंदर जहाँ पर इनकी छोटी सी इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी थी उससे और इनकी दुकान से लगभग 200 ग्राम जो सोना और बाकी जो भी इनके शोरूम छोटे शोरूम में जो भी इनके ज्वेलरी थी चांदी की वो लूट ली है और वो लोग फिर यहाँ से गए हैं। इसमें हमारी एसओजी और तीन थानों की टीम को सक्रिय कर दिया गया है। इसमें एक व्यक्ति की लगभग पहचान हो चुकी है, इसका जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। कितने लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? इसमें जो अभी मैंने पूछताछ की उसमें एक व्यक्ति जो बुर्का पहने हुआ था, तकरीबन 5 लोग थे। सर जिस तरीके से अंजाम दिया है, पता लगता है देखिये इसमें 200 ग्राम सोना जो गया है तो आप ये मान सकते हैं कि तकरीबन 15 लाख वो और जो भी चांदी के इनके आभूषण जो डिस्प्ले पे थे वो गए हैं। तो इसमें
किसी को भी चोट नहीं आई है, उन्होंने धमकाया है। उसमें से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई पहले से जानता था, क्योंकि ये जितनी घनी बस्ती में ये जगह है, बिना किसी अंदरूनी मुखबिरी के ये घटना होना असंभव है। सीसीटीवी की डीवीआर भी, हाँ ये सीसीटीवी की डीवीआर ले गए जिससे पहचान हो सकते हैं, परंतु बाकी जगह कैमरे हैं उससे हम पहचान कर पाए। हाँ इसमें एक मोटरसाइकिल चिन्हित हो गई है और आगे भी हम जांच कर रहे हैं। परिवार के लोगों बंधक ही बनाए हुए थे। हाँ इसमें परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि उन्होंने उनको एक कमरे और गुसलखाने में बंद कर दिया था जब उन्होंने सब चीज ली थी। लगभग कितनी देर बदमाश यहाँ पर, इनका कहना है कि तकरीबन 10:30 बजे वो दुकान में बुरके वाली जो व्यक्ति था वो दाखिल हुआ था और फिर तकरीबन 11:30 बजे वो लोग यहाँ से गए। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।